नमस्कार दोस्तों, मैं अवन पाकशास्त्र में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। आज मैं साबुदाना फूलवड़ी कैसे बनाऊंगी ये सिखाऊंगी, पूरी वीडियो तक देखो। साबुदाना फ्रायम्स के लिए, फूलवड़ी के लिए हम एक पूरी रात या 8 घंटे साबुदानों को पानी में सोक करना है। इसको हमको क्या क्या चाहिए, सोकुट सगो 1 कप और पानी चाहिए, ये सोकुट सगो है 8 घंटे, और नमक चाहिए, ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए और जीरा चाहिए। हम कैसे बनाऊंगी, हम एक पूरी रात या 8 घंटे सागो को सोख करते हैं ना साबुदाना को। हमको एक बड़ी बर्तन लेनी है, चूल्हे को आग लगानी है। इसके बाद है ना हम इसमें पानी डालेगा। हम पानी कैसे डालेगा, हम 6 कप्स का पानी इसमें डालेगा। 1 कप का पानी हम साबुदाना को सोख करेगा, पूरा 1 कप सागो से 7 कप चाहिए पानी, लेकिन 1 सोखने के लिए और 6 पकाने के लिए, 6 पकाने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच की नमक कम डालनी है, और 1 चम्मच जीरा भी डालनी है इससे। इसमें हरा मिर्ची का पेस्ट भी हम इसी में डालकर ये पानी को हम अच्छे से भूनना है हमको। 5 मिनट या 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट के बाद ये बॉईल होगा, अच्छे से बॉईल होगा। हम ये 10 मिनट के बाद ये सोकुट साबुदाना है ना, इसमें हम इसको मिलानी है, तब ये अच्छे से पकाएगा। 1 कप साबुदाने से 7 कप साबुदाना का पानी चाहिए हमको। हम 1 सोखने के लिए, 6 पकाने के लिए हम यूज़ करेगा। हम इसमें धूप में रखनी है, या फिर हम नीचे एक बेड रख के बेड में भी ऊपर रख सकते हैं। ये देखो, एक कॉट में भी ऐसा रख सकते हैं हम, या फिर छत पर भी हम ऐसा रखेगा। ये होने के बाद देखो, ये है ये पूरी साबुदाना ड्राई होने के बाद 2-3 दिन के बाद, यही है। हमें ना चूल्हे पे आग लगानी है और एक बड़ी बर्तन लेनी है, इसमें ऑयल डालनी है। डालने के बाद एक फूलवड़ी, देखो आप देख सकते हैं, एक छोटी सी फूलवड़ी इतना बड़ी हो गई है। ये बहुत अच्छी स्वाद आएगा। मैंने ये साबुदाना में टमाटर का फ्लेवर भी डाल दिया है। लोग ने बताया मुझे उसको लेस खाने का, खाने के फीलिंग आई है ये खाने के बाद। आप ज़रूर ये वीडियो भी देख करके कमेंट में आपकी फीलिंग बता दीजिए। देखो, हम ये दाल से खा सकते हैं, सांभर से खा सकते हैं, या फिर रसम से भी अच्छे से टेस्ट आएगा हमको। हम ये स्नैक्स जैसा भी हम खा सकते हैं। ये फूलवड़ी है, साबुदाना का फूलवड़ी, टेस्टी एंड क्रंची। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपडेट। जय हिंद।